वेलकम बैक दिस इज एंड आई एम योर मैम हम क्या पढ़ रहे थे द लॉस चाइल्ड द लॉस चाइल्ड का पार्ट वन मैं पढ़ा चुकी हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथ ही साथ मुल्क आनंद जी की बायोग्राफी भी मैंने पढ़ाई है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आज हम पार्ट टू पढ़ेंगे पार्ट वन में हमने कहाँ तक पढ़ा था कि वो जो बच्चा होता है वो स्नैक चार्मर से आगे बढ़ जाता है बिकॉज उसको पेरेंट्स ने बोला होता है इस ऐसी कोई भी वॉइस तुम्हें नहीं सुननी है और उसके बाद वो जब आगे बढ़ता है तो वो झूले को देख के अट्रैक्ट होता है उस झूले पे लोग झूल रहे होते हैं हंस रहे होते हैं ओके okay? यहाँ तक हमने पढ़ा था अब हम आगे पढ़ते हैं द चाइल्ड वॉश देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट अब चाइल्ड जो है जो बच्चा होता है वो उनको देख रहा होता है जो लोग झूले पे झूल रहे होते हैं और उसके बाद वो एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है यानी कि अब वो ममर होके नहीं बोल रहा है वो बोल्ड आवाज में सीधे आवाज में बोलता है क्या बोलता है क्या रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर प्लीज़ मम्मा पापा मुझे उस झूले पे जाना है उस झूले का नाम है राउंड अबाउट ये ऐसा झूला होता है वो ठीक है दे वॉज नो रिप्लाई लेकिन उसके पापा मम्मी कोई रिप्लाई नहीं करते हैं ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट अब वो ऐसे पीछे मुड़ता है अपने पेरेंट को देखने के लिए अपने पेरेंट्स को देखने के लिए दे वॉट देर अ हैड ऑफ हिम लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो वो क्या देखता है कि उसके मम्मी पापा उसके पास नहीं हैं

A a full deep cry rose within his dry, dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, अब क्या होता है जब उसको उसके पेरेंट कहीं नहीं दिखते हैं और वो भीड़ थी उस वहाँ पे मेला था तो वहाँ पे भीड़ थी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है देखिए उसके सूखे हुए गले से यानी वो बहुत ज्यादा डर जाता है उसका गला सूख जाता है और उस सूखे हुए गले से वो बहुत चीख करके रोता है एंड अ सडन जर्क और एकदम से उसकी बॉडी में जर्क लगता है उसके बाद वो भागना शुरू करता है जहाँ पे वो खड़ा है वहां से और असली में इसको बहुत ज्यादा डर लग गया होता है रोते रोते वो भाग करके जाता है और क्या बोलता है भागते भागते मम्मा पापा हो, गर्म होते हैं बहुत ज्यादा ठीक है और मोटे मोटे आंसू से बह रहा है नहीं, बहुत ज्यादा रो रहा होता है वो जो डर से आपके आंसू निकलते हैं ना वो बहुत गर्म होते हैं या जब आप बहुत दुखी होते हो तब जो आंसू निकलते हैं ना वो गर्म होते हैं कभी भी गौर हिज फ्लश्ड फेस फ्लश्ड हमने एक और जगह पढ़ा है ये एग्जेक्टिव फेस के लिए कहाँ पे बार्बर ट्रेड यूनियन में चंदू के लिए पढ़ा था हमने अगर आपने बार्बर ट्रेड यूनियन नहीं पढ़ी है तो उसकी भी लिंक तीनों पार्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप जाके पढ़ सकते हो वो शॉर्ट स्टोरी भी अच्छी है ओके लेट्स कंटिन्यू हिज फ्लश फेस वॉज कन्थ फीयर उसका जो सैड फेस था जो उसका उतरा हुआ मुंह था उसमें डर उसके फेस पे साफ साफ दिखाई दे रहा था पैनिक डरा हुआ एकदम चौंका हुआ सा ही रैन टू वन साइड फोस्ट डेन टू दर साइड हिथर एंड थिथर इन ऑल डायरेक्शन नोइंग नॉट वेर टू गो और जो चाइल्ड होता है वो चौंक जाता है और वो इधर उधर कभी इस तरफ कभी उस तरफ भाग रहा होता है बिना ये जाने कि आखिर उसको जाना कहाँ है बिकॉज वो तो छोटा है ना लोग उससे बड़े हैं ऊपर से इतने सारे लोग ना उसको कोई डायरेक्शन दिख रहा है उसके लिए तो वो भूल मुलेंगे जैसा हो जाता है फिर मदर फादर ही वेल्ड वो चीखता रहता है मम्मा पापा हिज येलो टर्बन केम यूनाइटेड एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी जो उसका जो टर्बन होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और उसके जो क्लोथ्स होते हैं वो मिट्टी से भर जाते हैं मतलब परेशान दिख रहा है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि वो कितना ज्यादा परेशान था एक बच्चा जिसके मेले में मम्मी पापा खो जाए और जिसको कुछ पता ही ना हो आप इमेजिन करो हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेग ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल he stood defeated, his cries suppressed into sobs, और अपने आप को डिफीटेड महसूस करने लगता है यानी कि जब उसको कोई नहीं दिखता है जब उसको कोई आसरा ही नहीं दिखता है तो वो एक जगह खड़ा हो जाता है थक करके और उसकी जो चीख होती है वो उस भीड़ की आवाज में कहीं खो जाती है अ लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुछ सी थ्रू हिज फिमली आईज फिल्मी आईज मैन एंड वुमेन talking। अब वो जो घास होती है वो उससे थोड़ी मतलब वो जो घास होती है वो उसको दिखाई दे रही होती है उसकी फिल्मी आई से यानी उसकी भरी हुई आँखों से ओके मैन एंड वुमेन talking। और क्या दिखता है उसको कि औरतें और जो मेल पर्सन हैं वो आपस में बात कर रहे हैं फिल्मी आईज बहुत अच्छा लिखा है जब आप रो रहे होते हो और आपकी आंखें भर जाती है और आपकी आंखों में एकदम आंसू भरे होते हैं ऊपर तक तो जब आप सामने देखते हो तो ब्लरी सा दिखता है राइट वो ही सीन यहाँ पे बताया गया है और उसी को यहाँ पे फिल्मी आईज कहा गया है ओके okay? ही He... ट्राइट टू लुक इन टू इंटेंटली दिखाई दे रहे होते हैं वो उनमें से देखने की कोशिश करता है बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिस्सा एंड मदर अमंग दीज पीपल लेकिन इन सारी भीड़ जो भीड़ इकट्ठा है यहाँ पे उसको अपने मम्मी पापा के निशान तक नहीं नजर आते हैं हु तो टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग लाफ इन टॉकिंग लाफ और ऐसे लोग मैंने वो उन लोगों के बीच में उसको अपने मम्मी पापा नहीं दिखते हैं जो उसको बातें करते हुए और हंसते हुए दिखाई दे रहे होते हैं किस लिए क्योंकि उन्हें बातें करना होता है और हंसना होता है ये जो लाइन है बहुत अच्छी लिखी है वो सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ़ लाफिंग एंड टॉकिंग क्योंकि उन्हें खड़े होकर वहीं बतियाना होता है और हंसना होता है बस इसीलिए वो बात कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं He ran quickly again. वो वापस से दौड़ता है हैरान परेशान हुआ दिस टाइम टू अच पीपल सीन टू बी क्राउडिंग और इस वक्त वो एक श्राइन एक शेड में जाता है जहाँ पे देखता है वो कि लोग वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं उसको लगता है कहीं वहां तो नहीं है मम्मी पापा मेरे

आपा ये चिल्ला रहा होता है नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल टेम्पल श्राइन टेम्पल का ही शेड होता है वहाँ पे टेम्पल के अंदर हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक जो क्राउड होता है वो बहुत मोटा हो जाता है मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे अब आ चुके होते हैं मैन जॉस वी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आईज हैोल्डर यानी की मैन जो स्टिल्ड ईच अदर एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं वो लोग घुस रहे होते हैं एक दूसरे में हैवी मैन यानी की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले लोग विथ फ्लैशिंग मर्डरस आईज यानी उनकी जो आंखें होती है ऐसा लग रहा होता है कि वो खूनी कर देंगी किसी का भीड़ जब मंदिरों में बहुत भीड़ होती है तो देखा है वहां का जो सीन होता है वो डिस्क्राइब किया जा रहा है यानी धक्का मुक्की हो रही होती है ओके, पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट बट नॉट टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट जो बच्चा होता है छोटा सा वो उसी भीड़ में से बीच से निकलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन क्योंकि वो छोटा होता है तो वो इधर उधर ढकेल दिया जाता है लोगों के पैर के द्वारा ठीक है यानी वो घुस नहीं पा रहा है अब बड़े लोग हैं तो हाथ पैर मार के जा सकते हैं बट वो तो बच्चा है ना तो कमर के नीचे तक आ रहा है तो कहाँ से निकल पाएगा उसको कोई कभी इधर धक्का मार देता है कोई उधर धक्का मार देता है वो जो ब्रूटल मूवमेंट होता है उसके बीच में वो दब जाता है ही नॉट at the highest

बहुत ही मुश्किल के साथ उस बच्चे को अपनी गोद में उठाता है हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड तुम यहाँ पे कैसे आए बच्चे बेबी हो किसके बच्चे हो द मैन आज एज ही अब जब जैसे ही वो बाहर आता है उस भीड़ से वो पूछता है द चाइल्ड वेप मोर देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड अब जो बच्चा होता है वो और ज्यादा मखा जाता है एटलीस्ट उसको कोई तो मिला जो उसकी हेल्प कर सके तो वो और ज्यादा मखा जाता है और वो सिसक, -सिसक के रोने लगता है सिर्फ आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर मुझे मेरे मम्मी चाहिए द मैन ट्राई टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट वो जो वो जो मैन होता है ना जिसने उसको लिया होता है अब वो उसको बहलाने फुसलाने के लिए उसी झूले के पास लेके जाता है विल यू अ राइड ऑन द हॉर्स तुम्हें इस घोड़े पे घूमना है बैठ करके पूछता है वो ही 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 जेंटली एज द रिंग जैसे वो झूले के पास पहुंचता है वो बच्चे से बहुत प्यार से पूछता है द चाइल्स थ्रो टोर इन टू अ थाउजेंड श्रिल्सॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड अब जो उसका गला होता है वो होता है भर चुका होता है और सिर्फ वो इतना बोलता है कि उसे उसके मम्मी पापा चाहिए उसे सी वही बच्चा जो झूले के लिए इतना परेशान था जिसने अपने मम्मी पापा से बोला भी वो अब उसको वो झूला नहीं चाहिए उसको कौन चाहिए उसको उसके मम्मी पापा चाहिए ही वॉन्ट हिज मदर फादर अब उसको कुछ भी फैसिनेट नहीं कर रहा है राइट सॉरी आई एम गेटिंग इमोशनल ओके okay. सो so, यहाँ दिखाया है मुल्क राज आनंद जी ने कि एक जो बच्चा होता है ना हाउ प्योर हार्ट दे आर वो कितने प्योर होते हैं ही डोंट वॉन्ट एनी थिंग नाउ उनको सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए आई एम सॉरी आई एम गेटिंग इमोशनल ही वेल ओके लेट्स इन टू इट अगेन तो वो उसको सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए होते हैं उसको कोई झूला उला कुछ नहीं चाहिए इस वक्त द मैन टू खेम नियर द बलून्स अब वो उसको बलून के पास लेके जाता है थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्विटन हिम ये सोच करके कि ये जो ब्राइट कलर्स हैं ये उसका अट्रैक्शन ले लेंगे और उसका माइंड डाइवर्ट कर देंगे वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून ही परसुएसिवली आज यानी कि वो उसको परस्यू करते हुए फिर से बहलाने के मूड से वो वापस से पूछता है कि तुम्हें रेनबो कलर के बैलून अच्छे लग रहे हैं लोगे तुम इन्हें द चाइल्ड टर्न आईज फ्रॉम दलून एंड सॉफ्ट आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर अब जो बच्चा होता है वो उस बलून से भी अपनी आंखें हटा लेता है और वो सिर्फ वापस से उनसे इतना ही कहता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए मैन चाइल्ड है ना वो तब भी उस बच्चे को क्या करने की बहलाने की कोशिश कर रहा होता है उसको खुश करने की कोशिश कर रहा होता है बोर हिम टू द गेट वेर द फ्लावर सेलर सेट आप देख रहे हो कि जिन जिन चीजों को छोड़ करके वो बच्चा आगे बढ़ा था वो आदमी उन्हीं उन्हीं चीजों के पास उसको ले करके जा रहा होता है और वो बच्चा जिसको पहले वो चीज चाहिए होती है वो उन्हीं चीजों को डिनाई करके ये बोल रहा होता है कि मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए वही फ्लावर्स के पास लेकर के जाता है जहां पे वो फ्लावर सेलर बैठा होता है और क्या बोलते हैं वो जो आदमी होता है बच्चे से क्या बोलता है लुक कैन यू स्मेल दो नाइस फ्लावर्स चाइल्ड देखो तुम इन फ्लावर्स को सुन सकते हो देखो ये कितने अच्छे महकते हैं वुड यू लाइक अ गार्डन टू पुट राउंड योर नेक तुम्हें चाहिए तुम्हें गार्डन चाहिए फूलों से बना हुआ नेकलेस चाहिए उसको पहनोगे तुम्हें

वो स्वीट शॉप से भी अपना मुंह घुमा लेता है और सिर्फ इतना बोलता है मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए और यहीं पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है हाउ स्वीटली इट इज रिटर्न वाव बहुत अच्छी लिखी हुई थी यहाँ पे दिखाया है कि एक जो बच्चा होता है ना उसको सब कुछ अच्छा लगता है अगर उसके मम्मी पापा उसके साथ है अगर उसके मम्मी पापा उसके साथ नहीं है उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना कोई पसंद आता है ना कुछ उसको सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा चाहिए एक चाइल्ड जब अपनी इन फैंसी से लेके कर टीन में जाता है तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उस टाइम पीरियड में उसके लिए उसके डेवलपमेंट के लिए वो होती है कि उसके मम्मी पापा उसके साथ रहें नॉट ओनली मदर नॉट ओनली फादर बट बोथ हाउ क्रिटिकल रोल पेरेंट्स प्ले वन द चाइल्ड ग्रोज फ्रॉम इनफेंसी टू टीन एज ये दिखाया गया है यहाँ पे बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरी थी आई होप आप लोग को पसंद आई होगी टिल दिन कीप स्टडी एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल